करो उसको, मिलाओ नहीं। देख रहे हैं ऐसे ही हम पकौड़े नहीं तल रहे। वाह हवा तो इतना मस्त आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए कैसे बना है इसका कंसिस्टेंसी। इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, अब इसको मिक्स करते चलो पानी के साथ, थोड़ा थोड़ा पानी। तो देखिए खुशबू तो मस्त आने लग गया, और खाने से पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। पकोड़ा। तो ये एक ही मशरूम है, बहुत बड़ा है। तो फाइनली ओके रेडी हो गया स्टर फ्राई। लियो कम। तो बस इसको एक बार स्टर करते हैं और छोड़ देते हैं चावल। चावल 90% पकाएंगे। अब हम इसमें दम लगा देंगे, फिर ये बन के रेडी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राम। आप लोग सब कैसे हैं? हम लोग सब अभी इवनिंग में सो के उठ गए हैं, मतलब नैप लेके। वैसे जनरली कभी लेते नहीं है। आज मौसम ना आज बढ़िया है बाहर, मतलब इतना ठंड हो रहा है और बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से, तो हम सोचे कि हम थोड़ा नैप ले लेते हैं। और वैसे नींद भी आ गया सबको, तो वही है उठ गए। और यहाँ पे बड्डे बॉय क्या कर रहे हो? खाना नहीं बना रहे, पकोड़ा बना रहे। पकोड़ा तल रहे हैं लाहौरी स्टाइल में, स्नैक्स। इतना अच्छा मौसम है ना बाहर, इतनी मस्त बारिश हो रही है ना, तो मैं बोली चलो पकोड़े हो जाए। हाँ चाय बनाएंगे ना, चाय पकोड़ा। चाय एंड पकोड़े। तो आज एक नए स्टाइल में बनाया जाएगा, तो आप देखिए कैसे बना रहे हैं हम। तो हमने यहाँ ऑनियन को लंबा काट लिया है बारीक, और उसमें अलग डाल अलग दिया कर लिया है। हाँ उसको अलग अलग कर लेना है अच्छे से हाथ में, उसको मिक्स करके। देन उसमें हमने ले लिया है करी पत्ता और धनिया पत्ता। तो इसमें अब क्या डालेंगे? अब जाएगा इसमें नमक हल्दी, और इसको अच्छे से मैश किया जाएगा ना। हम इतना फोकस्ड हो गए बीच में उड़िया चैनल में कि अरविंद भी बोल रहे हैं और मुंह से हिंदी ही नहीं निकल रहा है। मतलब आप अगर एक इंडिया में कॉलेज में थे तब हिंदी में ही हमेशा बातचीत होता था दोस्तों से, लेकिन फिर जब यहाँ आए तो दोस्त नेटवर्क कम गए, क्योंकि इधर इंग्लिश में बात होते हैं तो फिर ओडिया में लोग इंटरनेशनल लोग और इंडियन लोग काफी कम थे, तो हिंदी तो और नहीं होता था, तो हम मैक्सिमम टाइम ओडिया में ही बात करते थे एक दूसरे से, और एक दो फ्रेंड थे वो भी ओडिया थे। कितना लाइट आ रहा है। तो हिंदी में बहुत टाइम हो गया बात नहीं किए। ओए पापा के ऑफिस का क्या क्या उठा के ले आ रहे, भगवान। बदमाश मतलब गुरु गुरु। कल परसों कहीं पे एक पोस्ट आया था, यू कैन नॉट कीप अ टॉडलर क्लीन फॉर मोर देन 15 मिनट्स। मतलब 100% सही बात है। अब चाहे कितना भी घर क्लीन करो या तो फिर बेबी को क्लीन करो, मतलब टॉडलर को क्लीन करो, 15 मिनट से ज़्यादा टिकने वाला है नहीं। उनका हाथ पैर चलता रहता है, कुछ ना कुछ बदमाश। बेबी से नमस्कार, वेलकम टू ओडिया। और मैं क्या बोल रहे हैं, तो वो मेरे ओडिया चैनल को अच्छे से जानता है इसलिए बोलता है वेलकम टू ओडिया अरुमिका। तो वही है, पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और हिंदी चैनल भी बहुत प्यार से देख रहे हैं। एक्चुअली मेरे हिंदी चैनल को कंटिन्यू करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे सिर्फ ओडिया फ्रेंड्स नहीं हैं, हिंदी फ्रेंड्स बहुत जन हैं, और जो रेगुलरली मेरा हिंदी चैनल देखते थे तो उन्होंने मुझे इतना मैसेज किया कि आप हिंदी चैनल अपडेट करो वीडियोज़ क्यों नहीं ला रहे हो। तो मैंने फाइनली सोचा कि हाँ अभी तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, क्योंकि लियो स्कूल जाता है तो मेरे पास फ्री टाइम मिलता है, तो मैं सोची कि हाँ मैं रेगुलरली हिंदी चैनल भी अपडेट करूँगी। तो अब मैं इसमें ले लेती हूँ नमक हल्दी। मैं इसमें सोडा नहीं डालूँगी, सोडा डालने से पेट थोड़ा ख़राब होता है, अदरवाइज आप ले सकते हैं अगर आपको पसंद है। मैश करो इसको अच्छे से, मैश करना है। मैश क्या करना है? हाँ मैश करो उसको, मिलाओ नहीं। ताकि उससे जो पानी है ना मॉइस्चर है उसका निकल जाए, तो हम जब बेसन डालेंगे ना उसमें तो वो चिपक जाए उस पानी से। ठीक है समझे अभी लॉजिक?
तो इसमें और पानी नहीं डालेंगे बेसन डाल के? जितना जरूरत होगा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पानी नहीं। तो ये ऑनियन पकौड़ा ही बन रहे हैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। ओ बेचारे बर्थडे बॉय अभी से रोने लग गए। अब लोग सब हैप्पी बर्थडे अरविंदा बोल दीजिए, हैप्पी बर्थडे अरविंदा। फिर मैं विश करूंगी 12 बजे। अभी तो 12 नहीं हुआ है, लेकिन जब तक वीडियो जाएगा तब तक बर्थडे बॉय हो चुके होंगे। देखे कैसे इससे पानी निकलने लग गया। तुम देख रहे हो या नहीं? हाँ, मैं तो रो रहा हूँ। यहाँ रो रहे हैं। रुला दिया। बर्थडे के दिन रुला दिया है ना? और पकोड़ा खाने के लिए किसने बोला था? तुमने ही बोला था ना? अब मुँह से एक भी तो मौसम का डिमांड है अभी। हाँ क्या मस्त अभी हो रहा है बारिश? अभी भी हो रहा है। तो मैं दिखा देती हूँ बाहर जाके इस मौसम में किन किन को पकौड़ा मांगता है, किन किन को पकौड़ा खाने के लिए मन करता है। तो मुझे कमेंट्स में बताना, शेयर बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। देख रहे हैं ऐसे ही हम पकौड़े नहीं तल रहे। वाह हवा तो इतना मस्त आ रहा है ना। ये हमारा चड्डी मैन लियो। बेबी कैन यू क्लीन अप द हाउस? तो अब इसमें हम ले लेते हैं जीरा एक चम्मच, और इसमें थोड़ा ले लेंगे मसाला, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। हम मिर्ची वगैरह नहीं डालेंगे, लियो भी खाएगा। तो अभी मसाला डाल दी हूँ, मिक्स करो इसको, मसाले को मिक्स कर दो, फिर मैं बेसन दूंगी। बेसन को जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना वैसे ही गूंथना है तुमको। दो हाँ देखो कितना चाहिए मुझे, मांग के लेना और मैं देती रहूँगी धीरे धीरे। और दो हो जाएगा। और थोड़ा देती हूँ आटा जैसे ही गूंथना है, और लास्ट को थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है हो गया बस। तो यहाँ मैं ले ली हूँ सरसों का तेल, क्योंकि हमारे पास क्या है बोलो? हमारा वेजिटेबल ऑयल खत्म हो गया है और बारिश भी हो रहा है तो जाके नहीं ला पाएंगे अभी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी देती हूँ, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो यहाँ देखिए कैसे बना है इसका कंसिस्टेंसी। इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, अब इसको मिक्स करते चलो पानी के साथ, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, ठीक है? मुझे लग रहा हो जाएगा उतना पानी। थोड़ा लगेगा और थोड़ा लगेगा इस तरह। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें अजवाइन वगैरह जो आपको अच्छा लगता है खाने के लिए, सोडा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये है। तो हम अभी तलना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसे खा के आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कैसा बना है। तो देखिए खुशबू तो मस्त आने लग गया, और खाने से पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। अरविंदा अरविंदा कम एंड हेल्प मी आउट।
दीपू बंद करे। चलो तो ये पकोड़े बनके रेडी हो गए। वाव क्या मस्त दिख रहा है, क्रिस्पी। तो इसमें फाइनली अभी थोड़ा ले लेते हैं ब्लैक सॉल्ट और फाइनली चाय। और चाय बनाने का मेरा पेशेंस नहीं रहा तो मैं ग्रीन टी ही बना रही हूँ। ये है मच्छा ग्रीन टी। अरे 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 कितने सेल्फिश इंसान, तुम खाना स्टार्ट कर दिए। कैसन वा? बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज्यादा यम्मी। ये मेरा फेवरेट है। लियो, नहीं 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 लियो। तो क्या बोलोगे, ट्राई करें? बिल्कुल ऐसा पकोड़ा बना के ट्राई करिए। तुम वहां क्यों बैठे हो, डाइनिंग टेबल में आ जाओ। नहीं आप ओवर के टीवी देखोगे। लियो सब पकोड़ा पकोड़ा। क्या हो गया? लियो पहली बार ऑनियन पकोड़ा खा रहा है ना, मतलब इससे प्रूव होता है कि अच्छा बना है। तो चलो मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो बाप बेटे दोनों पूरा खत्म कर देंगे, मेरे लिए कुछ नहीं रखेंगे। मैं खा लेती हूँ फिर चाय पी के खा लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। तो बर्थडे बॉय आज क्या खाना चाहते हैं और क्या बन रहा है? स्पेशल चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बर्थडे में? मुझे कब से बोल रहे हैं चिकन बिरयानी बना बिरयानी बना, मैं नहीं बना रही थी लेकिन आज बर्थडे में और टाल नहीं पाई उनके बात को। तो यहाँ पे मैरिनेट कर रहे हैं हम चिकन बिरयानी बनाने के लिए। और तो हम ले लिए हैं इसमें चिकन 750 ग्राम्स के आसपास, 1 kg या 750 ग्राम्स? 700 ग्राम्स के आसपास। हाँ तो उसमें ले लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, चिली पाउडर और बिरयानी मसाला भर के। तो इसको हम अभी हल्दी नमक और मस्टर्ड ऑयल, तो इसको हम अभी अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, बर्थडे बॉय मैरिनेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बिरयानी बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल। तो अब इसमें ले लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो अरविंद अभी इसे मैरिनेट कर रहे हैं, बढ़िया से करना ठीक है, भूल मत जाना, सो मत जाना। 9:30 हो रहा है, बीच में मैरिनेट करते करते पता चला तुम सो गए हो। मुझे तो इतना नींद आ रहा है क्या मैं बोलूं, और लेकिन पतिदेव का ऑर्डर है तो टाल तो नहीं सकते है ना पतिदेव, आज बर्थडे बॉय भी है ना। ओ माय गॉड क्या खाना है? व्हाट डू यू वांट टू ईट? What is this? What is this? Tell me. Okay, first you tell me. It's a? This is an apple. Okay. It's a gummy bear, Leo. As Papa, please open. Hey, Papa, hand dirty. Papa is busy, baby. Shoo it up. तो चलो इसको मैरिनेट करके कुछ टाइम छोड़ देते हैं, फिर राइस करते हैं उस तरफ ठीक है। बाकी स्टोर रूम जाना पड़ेगा, चलो स्टोर रूम चलते हैं और लेके आते हैं इलायची और क्या दालचीनी और लौंग, क्योंकि बिरयानी में खड़ा मसाला मेन है ना। चलो ये हो गया मैरिनेट, लोग हमारे स्टोर रूम देखने से बेहोश हो जाएंगे। कौन सा स्टोर रूम है लास्ट? हाँ ये देखिए स्टोर रूम में लियो वाटरमेलन को लाके फुटबॉल जैसा इधर उधर फेंक रहा है। जब तक उसको काटेंगे ना वो खराब हो चुका होगा। टेंटड़ा डरिएगा मत। इलायची आज भर भर के सामान आया है इंडियन स्टोर से। लौंग मत लो, इलायची लो और दालचीनी, इसी में है दालचीनी, सारा मसाला एक ही उसमें डाल देते हैं। हाँ है। अब पार्ले से दिखा दो थोड़ा सा। ये भर भर के आया है पार्ले जी लियो के लिए। पार्ले जी जो बिस्किट हम बचपन में खाए थे लियो भी खाएगा।
लेकिन ना आज अपना बाजार में और अच्छे रेट में था। इसको खेलें क्या फुटबॉल? अरविंदा कल खाएंगे। तो मेरे बेटे को अभी खाने का मन किया मशरूम, वो निकाल के ले आया फ्रिज से। तो ये हम नए टाइप का मशरूम लाए हैं, आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। स्टर फ्राई कर दूंगी लियो के लिए, पेपर और सॉल्ट देके, बस उतना ही। तो ये एक ही मशरूम है, बहुत बड़ा है, एक ही मशरूम मैं बनाऊंगी। मामा इज मेकिंग मशरूम दैट इज हॉट, डोंट टच। Don't touch that. That's hot. सब मशरूम का जो कैप होता है वो बड़ा होता है, बाकी पार्ट छोटा होता है, लेकिन इसका ऑपोजिट है। जो कैप है वही सबसे छोटा है, लेकिन उसका जो स्टेम है वो बहुत बड़ा है। देखिए मेरे बेटे को, देखिए। वेट मामा इज मेकिंग वो आ गया, कंट्रोल नहीं कर पाया मशरूम देख के। तो ये इतना हो गया, मैं इसको ऑलिव ऑयल से करूंगी। बस ले लेते हैं ऑलिव ऑयल। मैं सॉटे कर दूंगी ऑलिव ऑयल में लेके। तो इसमें मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पेपर। क्या बोल रही थी तुम? इधर आओ। क्या एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या समझा रहे हो? मैं तो वाओ, व्हाट अ डायलॉग। आ जाओ कैमरे के अंदर घुस जाओ। तो फाइनली ओके रेडी हो गया स्टर फ्राई। लियो कम, यहाँ हमारे हीरो बैठ गए खाने मशरूम। लियो इट्स हॉट। Sit down and eat, baby. Sit and eat. Leo, sit down and eat. तो चलिए यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो चावल में हम डालेंगे खड़े मसाले, ये बढ़िया स्मेल ले आएगा चावल में। तो नमक डालना है हमको भरपूर। देन हम इसमें ले लेंगे 1 tablespoon ओनली अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चुटकी भर बिरयानी मसाला। देन फाइनली 1 tablespoon ऑयल। बस इतना ही। तो बस इसको एक बार स्टर करते हैं और छोड़ देते हैं चावल। चावल 90% पकाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल। अब चिकन बनाते हैं, तो मैं उसमें ले लेती हूँ खड़े मसाले। तो अब मैं ले लेती हूँ ऑनियन। तो ऑनियन फ्राई होने के बाद हम लोगों ने जो मैरिनेट किया था चिकन उसे डाल दिया है। और हमें आलू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी में, तो हमने आलू भी ले लिया है, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं चावल जो कि बन के यहाँ रेडी हो चुका है और मैंने स्टार्च भी निकाल लिया है। तो अब हम लेयर कर लेंगे। तो इसको दम लगाने से पहले हम फाइनली इसमें ले लेते हैं फ्राइड ऑनियन, धनिया पत्ता, अगर आपके पास पुदीना पत्ता हो तो ज़रूर लीजिए। देन हम इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा कलर जो कि एकदम ही ऑप्शनल है,
जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। और एंड में हम इसमें ले लेते हैं शुद्ध देसी घी। तो ये था फाइनल प्रोसेस, अब हम इसमें दम लगा देंगे, फिर ये बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ रेडी हो चुका है बिरयानी, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मस्त खुशबू आ रहा है, तो बिरयानी निकालते हैं और लियो के लिए बिरयानी चढ़ाते हैं। एक्चुअली बिरयानी निकालने का अलग प्रोसेस है, स्ट्रेट डालना पड़ता है ताकि उसका चिकन जो है वो टूटे ना, चिकन आलू सब खड़ा है। तो हेलो गुड मॉर्निंग, तो आप लोगों ने देखा कल बिरयानी बना, लेकिन बिरयानी के खाने का वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि हम लोग इतने मतलब क्या बोलूँ नींद में दोनों के दोनों इतना थक गए थे दिन भर कल हम काम करके कि हम बिरयानी खा के और सो गए हैं। माँ बाप बेटे तीनों पूरा बिरयानी एंजॉय करके और सो गए हैं और वीडियो ही करना भूल गए हैं, तो इसलिए मेरे पास बिरयानी खाने का वीडियो ही नहीं है। अरिंदा आ गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो अभी हम उठ रहे हैं मस्त वाला बिरयानी कल रात को खा के अभी हम उठ रहे हैं। बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़िया था, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसी तरह से, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही मजेदार है। लेकिन तो बिरयानी खाने का वीडियो तो गया नहीं। तो वही तो ये ही नहीं है तो कहाँ से देंगे, वही तो बोल रही हूँ मैं। तो आज का वीडियो हम यही रख दें और जल्दी जल्दी वीडियो को पब्लिश करते हैं ना। हाँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। टिल देन बाय बाय।